मैं एक गजल के कुछ शेर सुनाना चाहूंगी। बाविहैरत से मुझे इज़्ने सफर होने को है, बाविहैरत से मुझे इज़्ने सफर होने को है, तहनियत ए दिल कि अब दीवार तर होने को है। मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों, मौत की आहट सुनाई दे रही है दिल में क्यों, क्या मोहब्बत से बहुत खाली ये घर होने को है। खोल दें जंजीरे दर और हौस को खाली करें, जिंदगी के बाग में अब से पहर होने को है। गर्दे राह बनकर कोई हासिल सफर का हो गया, गर्दे राह बनकर कोई हासिल सफर का हो गया, खाक में मिलकर कोई लालो गुहर होने को है। एक चमक सी तो नजर आई है अपनी खाक में, एक चमक सी तो नजर आई है अपनी खाक में, मुझ पे भी शायद तवज्जो की नजर होने को है। रौनके बाजारो महफिल कम नहीं है आज भी, रौनके बाजारो महफिल कम नहीं है आज भी, सानिहा इस शहर में कोई मगर होने को है, सानिहा इस शहर में कोई मगर होने को है, कि गुमशुदा बस्ती मुसाफिर लौट कर आते नहीं, गुमशुदा बस्ती मुसाफिर लौट कर आते नहीं, मौजज़ा ऐसा मगर बारे दिगर होने को है। और आखिर शेर है कि घर का सारा रास्ता इस सरखुशी में कट गया, घर का सारा रास्ता इस सरखुशी में कट गया, इससे अगले मोड़ कोई हमसफर होने को है, इससे अगले मोड़ कोई हमसफर होने को है। बाबहैरत से मुझे इसने सफर होने को है, तहनियत ए दिल के अब दीवार दर होने को है। शुक्रिया। प्रवीण, कम लोग ऐसे हैं कि जिन्हें पहली किताब की शायद के बाद इतनी मकबूलियत हासिल हुई हो जितनी आपको ही, तो इससे कहीं आपकी शख्सियत और शायरी दोनों मुतासिर तो नहीं हुए? मेरा ख्याल है ये ज्यादती। वैसे तो मैं खुदा की बेहद एहसान मंद हूँ और अपने रीडर्स की भी, कि उन्होंने मुझे पढ़ा और मेरी हौसला अफजाई की। लेकिन ऐसे में ये होता है कि अगर बहुत कम उम्र में ये एजाज मिल जाए तो जिम्मेदारी का एहसास बहुत बढ़ जाता है और आगे का सफर जरा दुश्वार हो जाता है, ये है। लेकिन बहरहाल खुशबू को फैलने से और उसकी जिराई से कौन